इलेक्शन रिपोर्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, डिलीमिटेशन रिपोर्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नाम फरूक साहब जिंदाबाद, नाम उमर साहब जिंदाबाद। इलेक्शन रिपोर्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट और तमाम जो सीनियर हमारे रहनुमा हैं, जिनमें हमारे साथ मास्टर नूर हुसैन साहब है, जोन है जो हमारा उसके सेक्रेटरी भारतभूषण जी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुधाकर जी हैं, हमारी रजनी जी हैं जो बीडीसी की चेयरमैन है। सर मकसद क्या है आज के प्रोटेस्ट का? ना आज हम जो प्रोटेस्ट करने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वार में आए, हम ये जो मौजूदा डिलिमिनेशन कमीशन रिपोर्ट है जिस भेदभाव से ये लागू की गई, हम इसको सिरे से नकारते हैं। हम चाहते हैं कि अगर सेंटर सिंसियरली जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और जम्मू को एम्पावर्ड करना चाहता है तो वो 21 के आधार पर, सेंसस जो 21 का है उसके आधार पर डिलिमिनेशन करवाए। अगर जम्मू की 60 सीटें बनती है 60 बने, कश्मीर की 70 बनती है 70 बने, लेकिन आधार जो है वो हम 21 रखना चाहते हैं। और उसके बाद ये जो आज डिलिमिनेशन कमीशन के जरिए कुछ सियासी जमातों ने नंगा नाच किया है रियासत के अंदर, ये काबले बर्दाश्त नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं सांबा के अंदर सीट बढ़ाई गई, मुबारक की बात, सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं, परंतु किसी की टांग, किसी की सिर, किसी की बाजू काट के इधर उधर लगा दी गई। हम चाहते हैं टोपोग्राफिकली जो लोग जज्बाती तौर पर और इलाकाई तौर पर, मजबूती तौर पर, कल्चर तौर पर एक दूसरे इलाके से जुड़े हुए हैं, उनको एक साथ रखा जाए, एक मुश्त रखा जाए। सांबा के अंदर सांबा की दो पटवार हल्का जिसमें रामनगर और कटली है, उनको काट के उसको हिस्सा बना दिया गया रामगढ़ का। हम ये कुछ भी करते हैं कि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए, लेकिन उनको हिस्सा बना दिया, इधर वालों को हिस्सा बना दिया उधर। और राजपुरा जो था, जो 25 साल पहले भी रिजर्व रहा, और ये दो पटवारे हैं ये भी 25 साल पहले रिजर्व रही, फिर इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर धकेल दिया जाए। ये हम रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं रिजर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन कोई आधार ऐसा बनाया जाए जो इलाके ऑलरेडी रिजर्व थे उनको ओपन का जो सियासी रंग है वो मिलना चाहिए। यही हमारी डिमांड है, यही हमारी हायर कमांड की डिमांड है, हमारे फारूक साहब, हमारी जोन की तंजीम जिसकी सरबाई रामपाल जी करते हैं, हमारे पर्यवेक्षण प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता साहब, उनकी रहनुमाई में हमने जो प्रदर्शन किया है, हम मोहतरमा डीसी साहिबा के भी बड़े शुक्रगुजार हैं। हमने सुबह इनसे समय मांगा था और इन्होंने हमें 1:30 बजे का समय दिया। हम एडमिनिस्ट्रेशन के भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी डिमांड सुनने के लिए हमें इधर बुलाया, और ये मेमोरेंडम जो है ये हम डीसी साहिबा को पेश कर देंगे। आगे जो पार्टी हाईकमांड फारूक साहब या जो भी पार्टी हाईकमांड है उससे जो हुक्म आएगा, ये सारी तंजीम एक डिसिप्लिन में बंधी हुई है, उसी के मुताबिक काम करेगी। थैंक यू।